अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है शहजादे हो, फिट फाट हो, उम्मीद है आप सब ओके होंगे, रोके की रिपोर्ट में होंगे। तो आज की वीडियो का जो चक्कर है, अ लिटिल बिट आपको समझ आ गया होगा, बाकी का आपका भाई आपको समझा देता है। तो स्टार्टिंग में आपने देखा कि टीएमजी क्लैन के मेन लाइनअप के ऊपर आपका भाई 1v4 करता है ओके की रिपोर्ट में, और लास्ट सर्कल में मेरा पीओवी आपको आगे नजर आ जाएगा विद अलॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इस पर मजीद ये कि मौके वारदात पर जाने से पहले आपके दिमाग में जो क्वेश्चन हैं मैं उनका आंसर दे देता हूँ। तो बाबा जी, ये पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स का टूर्नामेंट होता है, और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार टूर्नामेंट था, इतनी अच्छी क्लैंस हैं, सारी पाकिस्तान की टॉप क्लैंस इसमें खेल रही हैं, तो क्या बना होगा। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, ओके की रिपोर्ट में हाउ ऑन टॉप बोलती पब्लिक। एक दफ़ा बाबा जी चैट में ओके की रिपोर्ट होनी चाहिए। तो बात करने का मकसद ये है कि अभी आप लोग जो मैच देख रहे हो, मैं और समी नोक हो जाते हैं, और ये टूर्नामेंट का लास्ट मैच था, और ये चिकन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अगर ये हम चिकन ना करते तो हम टॉप 1 पर नहीं थे आते, नहीं थे जीत सकते। तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फाइट से गुजरते हुए बाबा जी आपके भाई और आपके भाई की टीम ने ओके की रिपोर्ट में चिकन डिनर निकालना है, और लास्ट में आपको रिएक्शंस भी दिखा दूंगा, और जो लिस्ट है, जो रैंकिंग है, वो भी मैं आपको सारी शो करवा दूंगा। उसके बाद आपको अपना पीओवी भी दिखा दूंगा। इन्ना सब कुछ मैं तुहाडे वास्ते करना है, तो तू ही मेरे वास्ते एक लाइक ते सब्सक्राइब नहीं कर सकते। मर्जी वाली गल है यार। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, मैं चला जे। वैसे आपस की बात ये भी है कि ऐसे एक दो वीडियो में मैं आपको अध विचकार छोड़ के जाऊँ ना, तो फिर आप लोगों को मेरा एहसास होगा, मुझे मिस करोगे, फिर आपको मेरी अ लिटल बिट वैल्यू की समझ आएगी। तो लाइक तो सब्सक्राइब कर दो, समझा करो गाल नू। खैर, अब बाबा जी मैं सर्कल में आ जाता हूँ, और सीधा मैं कहता हूँ चलते हैं विनिंग मोमेंट की तरफ। और ये चिकन डिनर की विनिंग मोमेंट नहीं थी, ये बाबा जी टूर्नामेंट की विनिंग मोमेंट थी, और मेरे तीनों टीममेट्स लाइव स्ट्रीम पे थे, तो उनका रिएक्शन भी मैं आपको बारी बारी दिखा दूंगा। फिर उनके रिएक्शन के बाद आपको ओवरऑल रैंकिंग दिखाऊँगा कि कौन सी टीम ने क्या पोजिशन हासिल की है। तो खैर चको, एक नोक नहीं पिया, वी आर नंबर 1। एवी क्या बात है, अच्छा यहां ना मख्तारे हो जियो। नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। हाय 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 हाय, लीड सारी चुकती सारी लीड। ऐ जा ना दरा, ऐ जा दरा, हाँ ऑन टॉप बोलते एमबी फिरे, एमबी फिरे नंबर 1 इंशाल्लाह। मेरा नाम है चुटिया, अच्छो अच्छो की खड़ी करता हूँ मैं खटिया। ਚੱਲੇ ਬੇ ਓ ਚੱਲੇ ਬੇ ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਰੀ ਇੰਜ ਕਰੀ ਦੇ ਨੇ ਚਿਕਨ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਹ ਹਾਉ ਲਾਜ ਬੋਲਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੋਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ। तो शहजादे और टीममेट्स का इंट्रोडक्शन भी करा दिया, और लगे हाथ टीममेट्स का रिएक्शन भी दिखा दिया। अब शहजादे भाइयों के चेहरे पर खुशी की लहर लाने का वक्त है। तो ये बाबा जी साइड पे आप लोग देख सकते हो कि ओवरऑल रैंकिंग दिखा दी गई है आपको बा इज्जत तरीके के साथ। तो
हाउ क्लैन ऑन टॉप एक दफा कमेंट सेक्शन में कमेंट होना चाहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। अब बाबा जी चौंकड़ी वाला सीन ऑन कर लो क्योंकि हम जा रहे हैं मुक्का वारदात की तरफ। और इसी के साथ मैं बताता चलूं कि ये बाबा जी मेरा बेस्ट 1v4 एवर है ऑन कंटेंट क्रिएटर्स। ठीक है, वैसे आपके भाई ने पहले भी 1v4 किए हुए हैं, सिचुएशन इस तरह की होती है, हक में बना लेते हैं चढ़ के वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम सर्कल से बाहर होते हैं और गाड़ियां लेकर सर्कल में तो आ जाते हैं, लेकिन सर्कल इतना यांडू किस्म का था कि एक साइड से अगर कवर मिलता था तो दूसरी साइड ओपन हो जाती थी। लेकिन फिर भी कर करा के यही जेन था कि जाके अ लिटिल बिट लेट के और फिर स्मोक्स करके अपनी बचत करेंगे। अब ये सब कुछ हमारे दिमाग में चल ही रहा था कि इतनी देर में हमारे टेक्ट्रोने को आ जाती है स्प्रे, टीएमजी वालों की तरफ से टेक्ट्रोन नोक और मौके पर उसको फिनिश कर दिया जाता है। टेक्ट्रोना फिनिश हो गया। अब राइट साइड पर चर्च पे जो बंदे हैं वो चीफ 102 की स्कॉट थी वो हमारे ऊपर ग्रेनेड्स कर रहे थे, उनके ग्रेनेड से भी बचना है, उनके स्प्रे से भी बचना है। ते बस अ लिटिल बिट तुहानू म्यूजिक देन लगा, बाकी शेवा तुसा आप चकनी है। पिछों पे आ रही गड़ी आ रही मजनू। Watch out. इस 1v4 के बाद भी अगर नौजवानों के चेहरे पर खुशी की लहर नहीं आई तो फिर मेरा जिंदगी का कोई मकसद नहीं, मैंने तो ही गोली मार दियो। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब इसके बाद बाबा जी बहुत ही ज्यादा मुश्किल सूरत हाल थी, किट लग जाती है लेकिन गोलियां जो थी वो लोड होने का नाम ही नहीं थी ले रही, मतलब जो लोड हो जाती फिर मैं कुछ कर सकता हूँ। इस पर मजीद ये कि नो हेट फॉर एनीवन मारखोर भाई के साथ आप लोगों को भी पता है मेरी बहुत पुरानी सलाम दुआ है, तो ओके की रिपोर्ट है, फुल लव वाला सीन है। अब आते हैं अपने चक्कर की तरफ। तो पहली बात तो ये कि आने वाले वक्त में जो वीडियोस आ रही हैं समथिंग न्यू आ रहा है जो कि नौजवानों के चेहरे पर खुशी की लहर लाएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा चास आने वाली है। और इसी के साथ एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसा कि जो शहजादे भाई हैं मेरे उनको पता है इस चीज़ का कि 1,00,000 सब्सक्राइबर हमने कम्प्लीट किया था और ठीक ठाक स्पीड में किया था, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ गए थे, लेकिन अब स्पीड जो है वो स्लो हो गई है। मुझे नहीं पता क्यों हुई है, या पाकिस्तानी कम्युनिटी में आवाम ख़त्म हो गई है आई थिंक सो, मतलब कोई 1,50,000 बंदा है या आना ही नहीं चाहते या आई डोंट नो। ठीक है, तो अब हमने बाबा जी एक प्रॉपर प्लानिंग करके चलना है। लास्ट मंथ हमने 120 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं, अब बाबा जी रोड टू 150 के सब्सक्राइबर वाला सीन है। तो थानू मैं बाबा जी 2023 तो लैके 2024 तक का टाइम देना, टाइम थोड़ा नहीं है पूरा साल दिता है, लेकिन आपस की बात यह भी है कि अगला साल आऊँ सिर्फ एक महीना है। सो सब्सक्राइब यार कर दियो जिन्हें नहीं किया, क्योंकि बंदे तुसी काम हो तो सब्सक्राइबर ज़्यादा चाहिए ने, यू नो व्हाट टाइम ट्राइंग टू से। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।